गाइस, अगर आपने अपना सिस्टम विंडो 10 से विंडो 11 में अपडेट कर लिया है और आप उसमें सेटिंग का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं पहले की तरह विंडो 10 की तरह, आप स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता था और ऐसे ही राइट साइड में अगर आप टेक्स्ट बार पर क्लिक करते थे तो ऑल सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख जाता था, लेकिन अब वो उस तरह से नहीं दिख रहा है और आप यहाँ पर विंडो 11 में स्टार्ट पर क्लिक करके देख रहे हैं ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही। तो ये आप सिंपली कैसे ढूंढ पाएंगे और नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसे आप कैसे अपने फ्रेंड में ऐड कर पाएंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। गाइस, जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको कोई भी स्टार्ट में सेटिंग का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है इसको करने पे भी, तो आपको ऑल आपके ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ पे इसको करके देख लेना है। अगर यहाँ पे भी नहीं आता तो आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेटिंग टाइप कर देना है। सेटिंग जैसे आप टाइप करते हो यहाँ पे सेटिंग का आइकन आपको आ जाएगा नीचे की तरफ और राइट साइड पर आप देखेंगे यहाँ पर पिन टू स्टार्ट और पिन टू टेक्स्ट बार का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो स्टार्ट में ऐड हो जाएगा और इसे क्लिक करके आप अपनी सेटिंग के ऑप्शन को खोल सकते हैं। आपको टेक्स्ट बार में जाकर नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है और आपकी जो मेन सेटिंग है यहाँ पर ओपन हो जाएगी, तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर जाकर अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं।